हाय गाइस, वेलकम टू डेजी चैनल। तो डेजी जा रही है आज अपने एक न्यू फ्रेंड से मिलने। तो डेजी, आर यू एक्साइटेड? शायद डेजी एक्साइटेड नहीं है। ओए, एक्साइटेड नहीं है तू? है बोल। पहले डेजी को थोड़ा सा खाना देते हैं, वरना वहाँ पे उसको भूख लगेगी, ये अच्छी बात नहीं है। खाना खा के आप डेजी को जल्दी से हार्नेस पहना देते हैं, वरना डेजी खो जाएगी अगर हमने उसको नहीं पहनाया तो। तो अकेले जाने को तैयार है, अकेले भाग रही है। आराम से बेटे, आराम से, अभी चलेंगे। चलो भाई, अब डेजी को हमने बास्केट में रख लिया है, क्योंकि बास्केट के बिना डेजी की ट्रैवलिंग अधूरी है। तो लेट्स गो डेजी, यहाँ बहुत हेवी हो गई है। ये हमारी आ गई स्कूटी, और हम स्कूटी से जाएंगे। डेजी ने तो अपनी सीट ले ली है, थोड़ा स्पेस मुझे भी दे दो भाई। डेजी, आर यू एक्साइटेड? अरे मेरा गुड्डा। तो हम यहाँ से हमारी ट्रैवलिंग अब शुरू होती है। 1 2 3 लेट्स गो। इलेक्शन की वजह से रोड पे बहुत ट्रैफिक है बाबा, बट यहाँ पे हमारी डेजी को बहुत मज़ा आ रहा है। आराम से अपनी बास्केट में बैठ के घूम रही हैं, और रास्ते में हमें यहाँ पे एक छोटू सा बेबी मिल गया है जो कि बहुत क्यूट है। फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। वहाँ जाकर पता चला कि जो डेजी का फ्रेंड है वो डेजी से बहुत छोटा है। हमने कीची और डेजी की फ्रेंडशिप कराने का ट्राई किया था, बट दोनों में से किसी ने भी नहीं करी। एक दूसरे से बोलना ही नहीं चाह रहे थे। की ही तो रेडी था, बट डेजी बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी। अरे डेजी, बात कर लो उससे, वो छोटा बेबी है ना, ऐसे थोड़ी करते हैं, चलो बात करो उससे। हमने थोड़ी मस्ती वस्ती की और कीची के साथ थोड़ा खेले, और फिर हम निकल गए वापस अपने घर की तरफ। सबसे पहले हमने डेजी को उसकी बास्केट से बाहर निकाला, क्योंकि सर डेजी ज़्यादातर बास्केट में रहना पसंद नहीं है, बस वो सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम में बास्केट के अंदर जाती है। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. बाय बाय.